यार ये मेरा स्कूल इधर है इलेवन क्लास मैंने तो ना टू क्लास भाई ऊपर जाएंगे तो ऊपर लेकिन मैं क्लास में आएंगे यार ये मेरा स्कूल इधर है इलेवन क्लास मैंने तो ना टू क्लास भाई ऊपर जाएंगे तो ऊपर लेकिन मैं क्लास में आएंगे आज बहुत टाइम आज स्कूल में आऊँ काफ़ी बच्चे मिले जूनियर सबने ये लौंडा जूनियर है ये उपद्रवी बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी करता सबको ऊपर वही मेरी क्लास है इस तरह साइड हमारी क्लास है यहाँ इलेवन क्लास है इलेवन बी इधर इस साइड हमारी क्लास थी 201 और 301 भाई स्कूल में दो साल काटे हमने बहुत पता मज़े से भी थे भाई काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करा अभी आ के काफ़ी ज़्यादा मतलब यार याद आती है स्कूल की क्लास में वो नई नई बनती है जूनियर्स भी है काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे कहाँ गए थे कौन से कॉलेज में थे क्या था कैसे था काफ़ी सारी चीज़ें हुई यार मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो गई इधर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर अभी घर चलते हैं देखते हैं क्या क्या करते हैं बाकी इधर घूमने भी जा रहे हैं कहीं पर फ्रेंड्स के साथ तो पुराने फ्रेंड्स भी आ रखे हैं माहौल बन रखा एकदम फुल सेट तो भाई चलते हैं सर जैसे कि तुम देख सकते हो मेरा स्कूल है काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है इधर टीचर्स सब बैठे हुए हैं वो हमारे सीनियर्स क्लासमेट और इधर जूनियर्स बैठे हुए हैं काफ़ी सारे टीचर्स आए तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले यार स्कूल में आके चीज़ें बदल गई हैं काफ़ी सारे नए टीचर्स आए हैं बहुत सारी चीज़ें हुई है बच्चे बैठे हैं बस धूप में सेक रहे हैं आज भी वही चीज़ है बट यार ये एकदम मैं आया था स्कूल में बास्केटबॉल जो ये नेट लगे हुए हैं भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू थे लगे हुए थे अभी ऐसा जंग खा रखे बच्चों ने खेल खेल के सारे खराब कर दिए पर भाई क्या है खेलेंगे तो खराब होंगे पर चलो अब तुम जानना चाहते होंगे मैं स्कूल में बच्चा कैसा था हेलो मैम तुम ये प्रीति मैम आप बताओ मेरे बारे में देखो जब तुम नाइन्थ क्लास में आए थे ना तो शुरू में मुझे लगा इंटेलिजेंट हो मैंने पढ़ाया और पूछते भी थे क्वेश्चन पर जितना मैं समझती थी शायद उतना नहीं निकले पर इतने बुद्धू भी नहीं थे कि कुछ कैच ना कर सकूं कहीं ना कहीं मार्क्स के उस पे तुम पीछे रह जाते थे मुझे लगता था हाँ क्लास में रिस्पॉन्स दे रहे थे और आगे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से पूछते थे पर मार्क्स उतने नहीं आ पाते थे तो मुझे थोड़ा सा डाउट होता था बट अल्टीमेटली सब ठीक हो गया अब तो नेगी सर से पूछते हैं तो ये नेगी सर है सर आप बताओ मेरे बारे में इसको देना ही है तुम्हें आप वैसे नोट सर मेरे बारे में नहीं मैं तो सर यूट्यूब पर डालूंगा इसको मेरा चैनल है ना बताओ सर मेरे बारे में बताओ क्या बताओ ऐसा है कि जब हम आए थे नाइन्थ में पढ़ा नाइन्थ दो क्लास में पढ़ाया नाइन्थ टेंथ में तो जहाँ तक डिसिप्लिन का मामला था उस मामले में आप बहुत सही थे सिंसियर स्टूडेंट थे डिसिप्लिन थे लेकिन मुझे लगा कि एकेडमिक में जितना अच्छा कर सकते उतना नहीं कर पाए हालांकि बाद में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया काफ़ी चेंज आया और एक ऐसे स्टैंडर्ड तक पहुँच गए थे कि हम कह सकते कि सेटिस्फाई होने स्टैंडर्ड थैंक यू सर तो सर गुरदयाल सर सर एक तो थोड़े बहुत क्वेश्चन आपसे भी आपने भी पढ़ाया सर इलेवन क्लास में बैठो सर बैठो सर तो सर आप बताओ अपने इलेवन क्लास में पोल साइंस पढ़ाई तो आपके हिसाब से कैसा बच्चा था मैं सर बहुत बढ़िया शाइनिंग स्टार सर सच सच बताना बिल्कुल बहुत अच्छा बच्चा बड़ा ईमानदार बच्चा बड़ा हंसमुख बच्चा वेरी नेचर वेरी इंटरेस्टिंग और बताओ सर थोड़ा बहुत और बहुत अच्छे बच्चे थे बड़े होनहार और बड़े फेथफुल सिंसियर थैंक यू सर अब नागर सर हमारे क्लास टीचर 11th और 12th क्लास के सर आप बताओ आप तो बहुत अच्छे जानते हो मानव मेरे पास में दो साल रहा लेकिन जब 11th क्लास में आया तो मानव का सबसे पहला राइटिंग का था फोकस कि हम मैंने ये जांचा कि भाई मानव का जो राइटिंग है शायद वो इसको एकेडमिक में पीछे करता है तो मैंने कोशिश की इसको राइटिंग के लिए बार बार इसको प्रेस भी किया कई कई बार तुम्हें डेली एक इंग्लिश की राइटिंग करनी है एक हिंदी की राइटिंग करनी है ये लिख करके भी लाया इम्प्रूव भी हुआ तो काफी इम्प्रूव किया और दूसरा एकेडमिक के मामले में मानव यदि अपना राइटिंग को अच्छा करता तो शायद एकेडमिक में और अच्छा होता बहुत आज्ञाकारी बहुत ही सिंसियर बच्चा इसके पेरेंट्स ने जो इसको संस्कार दिए हैं वो वास्तव में इसको एक अच्छा नागरिक जरूर बनाएंगे चाहे एकेडमिक में नो रहा लेकिन ये आने वाले टाइम में एक अच्छा नागरिक बनेगा देश के लिए ये मेरी सोच है थैंक यू सर